कोरोना के कारण एक ओर कपड़ा बाजार में मार्केट चालू और बंद रखने की जद्दोजहद चल रही है, वहीं दूसरी ओर फोस्टा के कामकाज से नाराज व्यापारियों ने फोस्टा के पदाधिकारियों के चुनाव की मांग का बोर्ड एक दो मार्केटों के आगे लगा दिया है। दरअसल बात ऐसी है कि शुक्रवार को फोस्टा की ओर से कपड़ा बाजार शनिवार और रविवार को बंद रखने का ऐलान किया गया था, इसके बाद से व्यापारी नाराज हैं। व्यापारियों का आरोप है कि फोस्टा मनपा जो कहती है उसका समर्थन दे देती है, उनके निर्णय से व्यापारियों को आ रही परेशानियां समझाने का प्रयास ही नहीं करती है। कपड़ा मार्केट बंद रहने के कारण ऐसे ही व्यापारियों का एक साल बिना व्यापार के बीत चुका है। व्यापार की गाड़ी जैसे तैसे पटरी पर चल रही है कि फोस्टा मनपा की हां में हां मिला देती है। मनपा और फोस्टा ने शुक्रवार को अचानक शनिवार और रविवार बंद करने का फैसला किया था। कई व्यापारियों को परेशान होना पड़ा था, निर्णय लेना ही था तो फोस्टा पहले भी ये घोषित कर सकती थी। साथ ही व्यापारियों का आरोप है कि फोस्टा के वर्तमान पदाधिकारी असंवैधानिक ढंग से बैठे हैं, इसीलिए फोस्टा का चुनाव होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ पोस्टर भी कपड़ा मार्केट क्षेत्र में लगा दिया गया है। कोरोना के पहले भी कई बार फोस्टा के चुनाव को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है, अब कोरोना के दौरान मार्केट बंद रखने के फैसले को लेकर एक बार फिर से फोस्टा के चुनाव की मांग होने लगी है। आपको बता दें कि मार्केट बंद रखने का फैसला फोस्टा का नहीं था, यह फैसला तो मनपा प्रशासन ने लिया था। हालांकि व्यापारी चाहते हैं कि फोस्टा व्यापारियों का पक्ष मजबूती से रखे।